वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। बात बताई गई कि जो हमारा अनुभव है ना, अनुभव हम जो देखते हैं सुनते हैं और समझते हैं ठीक तरह से, उस समझ का आदर करें तो हमारी मुक्ति स्वतः सिद्ध है। हम जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, परंतु विशेष गौरव करके दृष्टि नहीं डालते हैं। जैसे हमारी एक स्वतः वृत्ति रही, हम जी रहे हैं, स्वाभाविक हम जी रहे हैं, ऐसी वृत्ति है। पर विचार कर देखा जाए तो
आप बुरा न मानना, जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं, ये वास्तविकता है। जन्मे उस समय में जितनी उम्र थी, क्या आज उतनी उम्र है? कितना दिन है उसका तो पता नहीं, परंतु जितने दिन आ गए उतनी उम्र तो खत्म हो गई, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अगाड़ी जीना कितना होगा इसका कुछ पता नहीं, परंतु जितने जी गए आज दिन तक उतनी तो आयु समाप्त हो ही गई। आयु समाप्त हो गई इसमें तो फिर भी आप बुरा नहीं मानेंगे, इतने तो मर ही गए तो बुरा मानेंगे। बात सच्ची है एकदम। 80-90 वर्ष हमारी उम्र हो और 50 वर्ष आ जाए तो 90 वर्ष की उम्र में से 50 वर्ष तो खत्म ही हो गए ना। बोलो तो हम जी रहे हैं ये कहां? थोड़ा सोचो की बात बिल्कुल समझ में आ रहा है, आ जाए कि भी मर रहे हैं। हमारे से संसार वियुक्त हो रहा है, शरीर भी हमारे से वियुक्त हो रहा है, सब संसार से हम वियुक्त हो रहे हैं, हमारे से संसार वियुक्त हो रहा है। इसमें कोई संदेह है क्या? एक क्षण में हमारा वियोग हो रहा संसार से और फिर लेने की इच्छा करते हैं, और आ जाए धन भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए, मान भी आ जाए, निरोगता भी आ जाए, और भी दी जाए, इतनी इतनी जो दृष्टि है, थोड़ी सी दृष्टि इधर करें, भैया जी कह रहे हैं आप धन कमाओ, काम करो, औषधि आदि का सेवन करो, सही रक्षा करो, ठीक बात है, इसमें कोई मना नहीं, पर धारणा तो ये होनी चाहिए नहीं भाई, ये तो हम जा रहे हैं, शरीर तो जा रहा है, संसार तो बीत रहा है, इतनी अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात। और वो समझ चिंतन करने की नहीं है, हम कोई भी बात कहते हैं भाई बार समझते हैं कि ये भजन करना है, अब अभ्यास करना है, चिंतन करना है, तो अभ्यास चिंतन भी अच्छा है, ये अभ्यास नहीं है, ये तो केवल समझ लेना मात्र है और समझी हुई बात को मान लेना है। जैसे हम आज बंबई में हैं, इस बात की माला फेरते हैं क्या? एक माला भी जपी है क्या आपने? बंबई में है, बंबई में है, बंबई में है, परंतु भीतर में इतने निश्चय है कि बंबई में है, सोते उठेंगे तो इकट्ठे याद आ जाए बंबई में। वैसे ये बात है रही आप, इस तरह ये बात ठीक समझ में आ जानी चाहिए कि भाई हम तो जा रहे हैं, शरीर संसार बीत रहा है, वियुक्त हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है, तो प्रतिक्षण हो रहा है, अब कितना दिन साथ में रहना होगा इसका तो पता नहीं, परंतु हमारा वियोग हो गया इसमें तो कोई संदेह नहीं। ये बात एकदम कायम रहे, आपके दुर्गुण दुराचार सब मिट जाएंगे, पाप अन्याय ये सब मिट जाएंगे, धोखा देना, विश्वासघात करना, लूट कपट करना, ठगाई करना, ये चीज रहेगी नहीं पास में, किसके लिए लिखित? आते हो तो बैंकों में, तिजोरियों में, यहाँ जमा होता है, और पाप करते हैं वो अंतकरण में, भीतर भावों में पैदा होता है, जमा होता है। मरते हैं तो बाहर के धन में से कोई एक साथ नहीं चलता, धन तो दूर रहा, शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा, लोग उठाएंगे साथ नहीं ले जा सकते, और जितने भीतर जो भाव है गंदे गंदे
लूट खपट करने के, बेईमानी के, धन के लिए जितना जितना जालसाजी बेईमानी करी, वो तो साथ रहेगी कि नहीं? वो तो भाव अंतकरण में भीतर बैठा हुआ है, भीतर बैठा है वो तो। तो भीतर में भाव पड़े हुए हैं, जिन वो ऐसा संचित कर रखते हैं, तो वहां भीतर भाव को बढ़िया से बढ़िया रखो। अगर भाव ही रखना है तो उत्तम रखो, बुरा क्यों रखो? दया, क्षमा, उदारता, संतोष, त्याग, वैराग्य, तो अच्छे भाव होंगे तो साथ में अच्छे चलेंगे, बुरे भाव तो बुरे चलेंगे। स्वभाव हमारा बड़ा हुआ है, हम चाहे यहाँ रहे चाहे और जगह कहीं चले जाए, धन संपत्ति तो साथ नहीं चलती, परंतु स्वभाव तो पीछे रहता ही नहीं, ये तो साथ रहता है। जिसकी जैसी आदत पड़ी हुई है, जैसा स्वभाव है, जैसे भीतर के भाव है, कहीं भी जाओ, इलम चले जाओ, बोले वो तो साथ में। ऐसे शरीर छूटने पर भी वे भाव साथ में जाएंगे। तो मनुष्य उन्नति चाहता है तो वास्तविक उन्नति वो है जो भीतर के भाव शुद्ध हो जाए, निर्मल भाव हो जाए, वो असली पूंजी है आपके पास। जितनी दया है, क्षमा है, उदारता है, त्याग है, वैराग्य है, समता है, संतोष है, ये आपके भाव है। इस निधि को, इस खजाने को, इस रत्ना को, इन रत्नों को कौन ले सकता है? जहां जाएंगे वह काम आएंगे। बाहर की इज्जत वास्तविक इज्जत नहीं है, भीतर की इज्जत ही इज्जत है। बाहर से सुंदर बन जाए पर भीतर से गंदे रहे तो वो सुंदरता क्या काम आएगी? और भीतर से सुंदर है तो बाहर से चाहे सुंदर रूप न दिखे, परंतु वो सुंदरता रहेगी। अपना से एक पंडित कह रहे थे, वो बात कह रहे कि शेठ जी गोविंदा जी बोलते हैं तो विशेष पढ़े लेकर नहीं दिए, पर बात ऐसी मार्मिक कहते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया, विद्या नाम नरस्य रूप मधुर, नरनाथ जी महाराज कहते वर्णन किया कि मनुष्य का विद्या है वो रूप है, सुंदर अधिक रूप है। अब विद्यावरी रूप क्या हो जाएगा? काला कोई घोर हो जाएगा। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, बहुत शेष रूप है। तो शेष ने व्याख्या करते हुए कहा कि कोई बोलता है व्याख्या दे तो सब लोग उस तरफ देखते हैं, कितने की देखते हैं, तो सुंदर रूप की तरफ देखते हैं। तो विद्या कितनी सुंदर है, अब विद्या भी सुंदर है तो सगुण सदाचार भजन स्मरण त्याग वैराग्य समता आदि अगर भीतर में आए हो तो कितना सुंदर रूप है वो, लोग देखे चाहे न देखे, लोगों की दृष्टि जावे चाहे न जाए, तो उस सुंदर का तो ब्रह्मा जी भी छीन नहीं सकते, किसी की ताकत नहीं उस सुंदरता को कर दे। कितना सौंदर्य है वो, आपकी साधना है, आपका तत्व को समझना है, कितना सुंदर है उस सुंदरता में। ये बहुत बड़ा कहना है कि संसार जा रहा है, हरदम ये ठीक दिखे साथ ही ये बंबई है, समुद्र है, ये मकान है, ऐसा दिखता है। इस तरह से तो स्वाभाविक स्वतः भीतर में जागृति रहती है। कभी दिन को दिन दिन सांडिया जाते हैं रातों किसा समय कहे कभी हृदय क्या वो तो गुणमय गंदी थी, दिन दिन संडिया जाते प्रतिदिन छोड़ते चले जा रहा है। ठीक सीधी बात है,
ये बात आपके हरदम याद रहे तो आपका बहुत स्वरूप सुंदर हो गया है, आपका मुर्दा रूप नहीं रहा, मुर्दा रूप से ऊपर उठ गए, प्राण छूटते ही मुर्दा हो जाएगा तो अभी हो क्या जाएगा, अभी क्या है तो वही और क्या हो जाएगा, प्राण नहीं देने से मुर्दा कह दिए। तो आपने ये बात समझ ली, आप मुर्दे से ऊंचे उठ गए, नहीं तो मुर्दे में बैठे हरदम, कितनी पवित्रता आ गई आप में। एक तो मुर्दे में हाड में मांस में मल मूत्र में बैठा रहे और एक इससे ऊंचा उठ जाए, कितनी शुद्धि हुई बताओ, ऐसी भी शादी बात, निर्मलता आ गई आपने। अब सही रहे चाहे छूट जाए चला जाए, ये चला जा ही रहा है, क्या बात, वो कितने पवित्र हो गए, कितने निर्मल हो गए। अरे उसमें भाव रहे, औरों का हित कैसे हो, सबको लाभ कैसे हो, ऐसा आपका भाव भीतर का उपकार करने का, कितनी बढ़िया बात है। ऐसा होते ही आपके शारीरिक बल हो, चाहे धन बल हो, चाहे विद्या बल हो, अधिकार का बल हो, पद का बल हो, कोई बल हो, उस बल के द्वारा दूसरों का हित होगा, और दूसरों का हित होगा उसका असर आप पर पड़ेगा, आपका बड़ा भारी हित होगा। मनुष्य धन के लोभी होने से उस तत्व को समझते नहीं, धन लेने में जितना आनंद है उसकी अपेक्षा देने में बहुत ज्यादा आनंद है, परंतु ख्याल नहीं है। माघ पंडित हुए हैं, मारवाड़ के गांवों में आया कहेंगे तो माघ जी, ऐसा माघ पंडित हुआ मामूली नहीं, बड़ा भाई नामी पंडित थे। जिस राज्य में रहते हो राजा से किसी ने कहा कि आप जानते हैं ऐसा पंडित है, उनके घर में खाने को अन्न नहीं है, एक दिन माघ जी के पंडित जी की स्त्री ने साग बनाया तो साग पाते हुए पूछा कि यार साग कहाँ का बना है, तो इमली के पत्तों का, इमली के पत्ते जल्दी सीजते नहीं, कड़े होते, छोटे छोटे पत्ते नर्म नहीं होते जल्दी, तो ये साग कैसे बनाया, तो सुबह मैंने बात रसोई करी तो आपने इमली की तरफ देखा, फिर विचार का इमली के पत्तों का साग बनाओ, मैंने बना दी। अब इमली के पत्ते जो साग होता तो राजा से कहा तो राजा ने बुलाया महाराज को, बड़ा आदर किया, सिंहासन पर विराजमान किए, पूजन किया और बहुत से रुपये भेंट किए, वे नाना कहते गए राजन दे दिए, नीचे उतरे तो मांगने वाले मिले, देते 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 जैसे घर से आए वैसे घर पहुंच गए, ये अवस्था है, खाने को अन्न नहीं है तो क्यों दे देते हैं, कि देने में जो सुख है वो लेने में सुख है नहीं, परंतु इसका पता कब लगे, जब आप देने लगो तब लगेगा। किसी मिठाई के रस को आप जानना चाहते हो तो उस खाने से ही पता लगेगा, बिना खाए क्या पता इस मिठाई में कैसा रस है, आपके स्वभाव पड़ जाएगा तो आप रह सकोगे, स्वाभाविक देने की वृत्ति पैदा होगी, तो उसमें सुख मिलता है, आराम मिलता है, आनंद मिलता है, विलक्षण छोड़ नहीं सकता आदमी। तो अपने ये चित्तरंजन दास सी आर कहते हैं, उनके भी ऐसा स्वभाव था बंगाल में, वो हरिश्चंद्र भारतेंदु कहलाते हैं, बड़े नामी अच्छे कवि हुए, भारतेंदु पदवी भारत का चंद्रमा,
उनकी ऐसी वृत्ति सुननी चाहिए। धन आया ले लीजिए, जीवित आदमी का उदार देना बढ़िया नहीं है। परंतु एक बात याद आ गई, वृंदावन में भक्तमाली जी महाराज आ रहे, भक्तमाली कथा करते हैं, बड़े उदार साधु पुरुष ब्राह्मण है, बाल बच्चे वाले हैं, लड़की है, गाय भी रखते हैं, तो सप्ताह करते हैं, तो सप्ताह बाद थी, सप्ताह में भेंट आई, ब्राह्मणों को दे दिया, ऐसे देते देते बाकी बच गया, घर पर आ गए। थोड़े से रुपए इकट्ठे हो जाए तो बोले ब्राह्मणी देखो अब साधुओं को पंक्ति करो, रुपए इतने हो गए संतों को भोजन कराओ। अब साधु इसमें कोई आवे कैसा ही हो, चूड़ा समारोह चाहे कोई हो, कैसे साधु है भोजन कराओ। भक्तमाल में जैसे संतों की कथा आती है इसी तरह से भाव से भोजन कराते, इतने संतों की पंक्ति कर दो, इतना पैसा था। तो बात है उनके जब इस बात का रस आ गया कैसे छोड़ेंगे। इस तरह से सत्संग में आदमी जाते नहीं और सुहाते नहीं, पर जाना शुरू कर दे थोड़ा दिन कर गए फिर छोड़ नहीं सकते। अभी बीकानेर में एक जवान लड़का आया, वो कहते मेरी माँ सत्संग करती है बरसों से और माँ का कहना मैं करता हूँ, तो सत्संग तक माँ को पहुँचा कर मैं चला जाता हूँ, ऋषिकेश भी पहुँचा दू माँ को और तू चला जाओ, माँ की सेवा करता हूँ। अब कहते हैं यहाँ बीकानेर अब की बात है, माँ ने कहा कि बेटा एक बात कहूँ, हाँ माँ तुम 3 दिन सत्संग कर ले। माँ ने कह दिया, माँ ने कह दिया, माँ की आज्ञा कैसे टाले। तो पहले दिन तो गए ऐसे ऐसे करता रहे साहब ऐसे आई हूँ, दूसरे दिन, तीसरे दिन तो अब बुलाना नहीं पड़ता, रोज जाना, कोई सत्संग ऐसा नहीं हुआ आपका जाता और मैं छोड़ू जाता ही। इसलिए सिद्ध होता है कि जब तक जिस चीज को न सकते तब उसके रस को कैसे जाने। इस तरह से उपकार करना है, हित करना है, सेवा करना है, इस बात को समझ जाएगा कैसे छोड़ सकता है, कितना उसमें रस है, कितना उसमें आनंद है, लेने में वो रस नहीं है। माताओं का ये स्वभाव है पर वो थोड़ा सीमित है। भगवान श्री राम वनवास के लिए तैयार हुए, माँ कौशल्या के पास जाते हैं, माँ बोलती बेटा देखो आज राजगद्दी होगी, राज तिलक होगा, सवारी निकलेगी, बहुत देरी लग जाएगी, कुछ खा लो। माँ के मन में खिलाड़ है, खा लो, स्वाभाविक ही स्नान और कर नित्यनेम करके जल्दी तैयार हो जाओ, भोजन कर लो, कुछ खा लो, फिर जाना। ऐसे माँ कहती सुत्र स्वाभाविक भाव है भी खा लो, आदत है, सुत्र खिलाती है, नहीं खिलाने के लिए खिलाने की आदत रहती है, उससे प्रसन्नता होती। लड़का ठीक तरह से भोजन कर ले तो माँ खुश हो जाती, प्रसन्न हो जाती। अब हरेक आदमी सब में कैसे आवे खिला कर राजी होना भी, वो खा कर राजी होना भी है आदत। इस तरह से उपकार करने की आदत पड़ने के बाद आप वो कहना नहीं पड़ेगा, रह नहीं सकोगे। गीता प्रेस में काम करने वाले थे सुखदेव जी, वो कहते थे भाई जी वहां रहते थे गोरखनाथ के पास, ये बगीचा पीछे खरीदा, हम गए तो वहीं रहते थे। एक दिन उदास बैठे हैं, सुबह हम पहुंचे तो उदास बैठे, भाई जी बहुत उदास। तो भाई जी क्या बात है आज उदास कैसे हो। तो भाई अमुक अमुक ब्राह्मण के वहां
उस पर कर्जा है, आज उसको कचहरी में हाजिर होना पड़ेगा, वो देगा क्या, घर और सब लीला हो जाएगा, कुड़क हो जाएगा, क्या करें, बस चिंता कर रहे। ये सुखदेव मैंने सुनाई और हम लोगों ने प्रबंध किया होगा, गए भाई जी काम करते थे, वैश्य भाई थे, सब कुछ, और तो पास पैसे नहीं थे, और कहते लाखों रुपया दान किया मैंने, कैसे हरी गादी भाई जी, इतना मेरे लगा दो, इतना मेरा लगा दो, ये गोरख आंदोलन हुआ, अभियान हुआ, जिसमें गोली चली हुआ ना, उसमें खजांची भाई जी थे, अरे गादी मेरे अपने मेरे भाई ना कहते भैया बहुत है बहुत है। अब उनका खुद का ऐसा उदार भाव, अब हरे का विश्वास हो जाए कि यहाँ भाई हमारा सदुपयोग होगा, पैसा होगा, आप लोगों को कमाने के लिए तो समय मिलता है, खर्च करने के लिए समय नहीं मिलता, जयदयाल जी ने कहा था कि पैसा कमाना हमारे बहुत मामूली बात है, लगाना कठिन है, ऐसा पैदा कर गया मामूली, लगाने में कई तरह की बाधाएं आती, सोचना पड़ता है कहाँ तो उचित है, अनुचित है, कुपात्र है, पात्र है, क्या विचार करना पड़ता है, और फिर लोग साथ में रहता ही है, वो तंग करता है, और घर थोड़े नहीं देता, यहाँ तो ऐसा है, यहाँ इतने से चल जाएगा, क्या जरूरत है ज्यादा की, और जिनका स्वभाव बढ़ गया है ना, वो ज्यादा जरूरत क्या है, वो तो कर रहे हैं, और वो उदारता सांस लेगी सज्जनों, मरने के बाद भी उदारता कंजूसी ये सांस लेगी, इतने रुपया पास में नहीं रहेगा, तो रुपयों के बदले बहुत बढ़िया रत्न खरीद लिए, लोग साथ में रहेंगे, जिनके पास उदारता है, त्याग है, वैराग्य है, ऐसे आपको अच्छे लगते हैं ना, चाहे साधु हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, जिसमें वास्तव में त्याग होता है, आप इतने बैठे हैं, उन्हें कोई पहचाने कोई न पहचाने, किसी की रुचि हो किसी की न रुचि हो बात अलग है, परंतु सभी के नहीं तो प्रायता तो यही है कि आपको अच्छा लगेगा, वो क्यों अच्छा लगेगा, उसे त्याग है, तो फिर आप त्यागी बन क्यों नहीं जाते, वो तो उसमें बढ़िया था, बड़े उसे भी लाओ, इतना तल्ला का मकान है तो उसे और तल्ले का बढ़ाओ, ये तो आपकी ईर्ष्या हो जाती है, जो कि हाथ की बात नहीं, और त्याग हाथ की बात है, उसमें ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि ऐसा क्या नहीं, त्याग तो तुम करो, पैसा हम करें, त्याग आप, तो कितनी बुद्धि कहाँ चलेगी बताओ, ये स्वभाव आपका बढ़ जाएगा ना, वो असली वास्तव में आपकी इज्जत है, गीता ने कहा ये श्रद्धा सैव सः, जैसी श्रद्धा वाला है, जैसे स्वभाव वाला है, उसका वही स्वभाव है, वही उसका स्वरूप है, वही उसकी इज्जत है, अभी शायद दिख रहे में वो कैसा ही दिखे, परंतु असली उसका स्वरूप क्या है, जैसा भाव है वैसे ये, जैसी नियत है मित्र के जैसे भाव है, वो उसका असली स्वरूप है, खराब है तो ये सामान्य प्रकट हो जाएगा, पता दिख जाएगा, अच्छा है तो पता लग जाएगा, और इसमें आप हम सब स्वतंत्र हैं, ध्यान देना, पैसा पैदा कर लेने में स्वतंत्र नहीं, समाज में हमारा नाम हो जाए, हमारे को अच्छा समझे, ऐसी इच्छा होती है, अपने हाथ की बात नहीं, और स्वभाव आप शुद्ध बनाओ, इसमें बिल्कुल आप स्वतंत्र हो, भाई बहन सब स्वतंत्र, इसमें कोई पराधीन नहीं, अपना स्वभाव बनाना है, और प्रत्येक शांति, अपने को शांति, औरों को शांति, आनंद ही आनंद, लोग और परलोग दोनों सुधरते हैं,
कहीं कहीं लोक में आपको हानि भी होती है, होती नहीं है वो लोभ के कारण से, ऐसे उदारता से कहीं कहीं हानि होती है। हानि कैसे होती है? नहीं होती, दीखता है पर दीखता रहे, वास्तविक उन्नति आपकी हो रही है। आप इतने बैठे हो, स्वयं विचार करो कि आपका भजन ध्यान करने का स्वभाव हो गया है, सत्संग में जाने का स्वभाव हो गया है, जप आदि करने का स्वभाव हो गया है, तो क्या उसको छोड़ सकते हो? किसी कारण से उसमें कमी रहती है तो खटकती है दिन भर मन को, जैसे भोजन न किया हो और करके भी आज तो क्या करें, भोजन नहीं हुआ, इस तरह से नित्य क्रम न होने से एक खटकता, आज तो वही इतना हुआ, आज तो ठीक नहीं हुआ। जिनके पक्का नियम है उनको शांति नहीं मिलेगी। जब ध्यान सत्संग स्वाध्याय छोड़ दे तो छोड़ सकेगा नहीं, वो करने से ही संतोष हो, खुराक है वो। इस तरह से वास्तविकता जब आ जाएगी तो उसका तो त्याग हो सकेगा ही नहीं, चाहे गला काट लो, कोई नष्ट कर दो, परंतु अपना असली स्वभाव उसको छोड़ दे, उसके हाथ की बात नहीं छोड़ेगा। प्रहलाद जी कितने त्रास दी गई, सीधी बात है, क्यों त्रास पा गए? आज तो थोड़े से व्यापार के लिए झूठ कपटा है काम कर लेते हैं, तो पैसा जा रहा है, अरे उसका तो राज्य जा रहा है, प्राण जा रहे हैं। तो आजकल के अटकल लगा रहे हैं, मूर्ख था वो, और तो वो कष्ट सह लेंगे, सही भजन सुमन कैसे छोड़ दें, भगवान का चिंतन कैसे छोड़ दें, नहीं छोड़ सकते। मारने के लिए, बाप मारने के लिए चेष्टा करता है संसार में, देखो रक्षा करने वाला होता है पिता, वो मारने का ढंग कर रहा है, और मारने की कितनी चेष्टा करी, अब मरता नहीं, वो क्या करे बेचारा, हैरान हो गया। प्रहलाद जी ने कभी नहीं कहा कि पिताजी क्यों मारते हैं आप, क्यों तंग करते हैं, क्यों दुख देते हैं, कभी नहीं, मन की फुरना तो नहीं, प्रहलाद जी के मन में फुरना ही नहीं हुई, कि भाई शरीर उसी का है, माँ बाप का शरीर है, मर्जी आ जाए चढ़े, हमारे बोलने क्या है इसमें अधिकार, मैं जो मैं हूँ वो परमात्मा का अंश हूँ, मैं भजन में लगू तो इसमें दखल देने के इनको क्या अधिकार, ये तो कोई न्याय नहीं। शरीर पर अधिकार आपका है, चाहे सो करो, गुरु पुत्र थे संडा अमरक, उनको कहा कि इसको मार दो, उन्होंने कृत्या पैदा करी, मूर्ख लगाई मारने के लिए, प्रहलाद जी वैसे ही खड़े रहे, प्रहलाद जी के लगे नहीं, तीसरी जागर उनको पड़ी, मार दिया दोनों को, गुरु पुत्र मर गए। अब वो मर गए, वो सहा नहीं गया प्रहलाद जी से, और भगवान से कोई काम न करनी नहीं है, कोई मांगने नहीं कभी, तो कहा कि मेरे साथ इतना द्वेष करते हैं और अंत में मारने तक का मेरे पर प्रयोग किया है, तो मेरे मन में अगर किंचित मात्र भी इनके प्रति भैर भाव, द्वेष भाव, बुरा भाव पैदा नहीं हुआ है, ये अगर सच्ची है तो जीव उठे उसी में, भाव ही मेरा पैदा हुआ वो बुरा, तो वो सत्य नहीं है। अगर नहीं हुआ रे बात सत्य है, उस सत्य की प्रभाव जी जाए। तो प्रहलाद जी की आज कथा कहते सुनते हैं, कितनी विचित्र बात है। भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, गोस्वामी महाराज लिखती है, भगत शिरोमणि हो गए, नाथ जी के उपदेश से हुए, तो नाथ जी तो गुरु जी हुए, और प्रहलाद जी महाराज शिष्य हुए, परम भागवता नमामि जहाँ आया है वहाँ प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीक सुखसौनक भीष्म दाल ध्यान। तो प्रहलाद नारद पराशर, पहले प्रहलाद जी का नाम, नाथ जी का दो नंबर भी नाम है भक्तों का, यहाँ वर्णन भगत शिरोमणि वे प्रहलाद,
भगवान के भजन में लगे, किसी पर द्वेष नहीं। अब उनके आनंद का कोई ठिकाना है, कितनी मस्त है, कितना सुख है। लोग समझते हैं मान बढ़ाई हो जाए, धन हो जाए, संपत्ति हो जाए तो सुख होगा। सज्जनों, होगा बहम है, पर धन संपत्ति होने से सुख कितना हुआ है आप भोग करके तो देखो। थोड़ी कृपा करो, ध्यान दो। साधारण स्थिति वाले को लाखों करोड़ रुपए मिल गए, वो मिलने से कितना आपके झंझट हुआ है, कम होने से कितना था, ये स्वयं अनुभव कर लो आप। अब कहेंगे सच्ची बात है। तो पदार्थों से शांति मिल जाएगी, सुख हो जाएगा, ये बात है नहीं। वे नाशवान है, वो तो खत्म हो रहे हैं। कितना दिन से लोग बड़े से बड़े धनी हो गए, कितना दिन रहोगे? धन कितना दिन रहेगा? आप धन के पास कितना दिन रहोगे? दियोग सहयोग कब तक रहेगा? धन चला जाएगा तो आप चला जाएगा, तो दोनों चले जाएंगे। रहने वाल तो है नहीं। झूठे संतोष क्या होगा? कितना दिन काम चलेगा? ये बनावटी बातों से शांति कब तक रहेगी बताओ? अगर भजन सुमन करते, न्यायुक्त काम करते, शांति कितना आनंद था। हरिश्चंद्र ने कितना कष्ट उठा लिया, परंतु अशांति मन में नहीं। श्री दधीचि हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। आज भी उनका नाम लेते हैं, नाम लेने से शांति मिलती है। मीराबाई एक अपनी बहन हो गई। अब उसका कितना विचित्र नाम, उनके पद गाने से शांति मिले, पापों का नाश हो। कारण क्या है? भगवान में लगी। मैं तो गिरधर रे मन भाई राणा जी, मैं तो गिरधर रे मन भाई। भगवान का भजन स्मरण कर रही है, उसके भरोसे कितने निश्चिंत है, कितने निर्भय है। पर्दे में जन्मी, बालपन में पर्दे में रही, जाई गई तो पर्दे में रही, ऐसी निरंतर पर्दे में रहने वाली अकेली चल देती है, पैदल चली जाती है द्वारिका। ये बहन बैठी, किसी की हिम्मत है क्या? कभी निकाल दे इनको, द्वारिका चली जाओ। बहनों माताओं की बात दूर रही, आपको निकाल दिया जाए, कुछ पास में नहीं चले जाओ, पैदल मुश्किल हो जाए। बहुत थोड़े निकले, हिम्मत नहीं होती। अब स्त्री शरीर कहाँ जाए बेचारी? कहाँ खाऊंगी, कहाँ रहूंगी, कहाँ बैठूंगी, क्या चिंता? बिल्कुल चिंता नहीं है। तुमको सबल का सरना लिया है ना, धन का सरना, तो वही नष्ट हो जाए। घर का, मकान का, कुटुम्ब का सरना ले, कितना दिन ठहरेगा वो? कब तक टिकेगा? भगवान का सरना कब मिटेगा बताओ? ये सही संसार तो कई बार मिट गया है, मिटते ही रहता है। वो परमात्मा है, जो का जो जीवात्मा भी उसी का आयुष होने, ये भी नित्य है, थोड़ी बदलती है, स्वयं रहता है। तो बदलने वाले का सहारा कितना दिन चलोगे भाई? सहारा तो उसको जो नित्य है, जो ये नित्य जा रहा है, ये अनुभव है। अनुभव का आदर करके इस बात को मान ले, तो ये तो जाने वाला है, इसमें क्या रोवे, क्या चिंता करे? आ गए तो क्या हर्ष मनावे, चला गया तो क्या दुख मनावे? ये तो रहने वाली चीज नहीं, जा रही है, जा रही है। अपना काम ठीक तरह से करो, न्यायुक्त काम करो, उत्साह पूर्वक काम करो, सबके साथ व्यवहार बर्ताव अच्छे से अच्छा करो। ये तो अपना काम है, उससे स्वभाव सुधरता। शुद्ध स्वभाव से बर्ताव अच्छा होता है, अच्छे बर्ताव से स्वभाव की शुद्धि दृढ़ होती है भीतर। लोगों के ऐसा वहम है कि हम भक्ति करके भक्त बनेंगे, हम सत्य बोल करके सत्यवासी बनेंगे,
और पाप करते करते हम पापी बनते, ऐसी धारणा है। बात सच्ची ये नहीं है। पहले सत्यवादी बनकर के सत्य बोलता है। चोरी करने वाला चोरी करने के भाव से पहले गिरता है, चोरी करता है, तब न वो चोरी करता है। अगर वो पहले चोर न बने तो चोरी नहीं कर सकता। तो चोर पहले बनता है, चोरी करके चोर भाव को दृढ़ करता है, मजबूत होता है। तो भाव पहले बनते हैं, पीछे आचरण बनते हैं, उन आचरणों से वो हमारे भाव दृढ़ होकर मजबूत हो जाते हैं। ऐसे दया क्षमा आदि धारण कर लो तो पहले कर लो, फिर जो जो आचरण करोगे ढंग ठीक हो जाएगा। ऐसी उदारता शुरू कर दो तो शुरू करते में थोड़ा जाएगा, पर उदार पहले भाव होगा, पीछे खर्च होगा, खर्च करते कर उदार भाव हो जाएगा, फिर आपकी बात आदि पड़ जाएगी। ऐसे सत्संग पहले जाओ, सत्संग करो, सत्संगी बनो, और फिर सत्संग करो, करते करते सत्संग के भाव दृढ़ हो जाएंगे। और बहुत विलक्षण विलक्षण बातें मिलती है सत्संग में। मैं तो पुस्तक पढ़ता हूँ और सुनने का काम थोड़ा पड़ता है आजकल, कहने का काम पड़ता है ज्यादा। पर पुस्तक पढ़ने में, सुनने में और कहने में नई नई बातें पैदा होती है, बड़ी विलक्षण बात है। तो चलो आपको विश्वास में कैसे दिलाऊं, मेरे तो ऐसी विलक्षण विचित्र विचित्र बात आती है मन में। कितनी शांतिदायी, कितनी सुखदायी, कितना आनंद देने वाली बात है। अगर ये भाई बहन हमारी जेल कितनी बढ़िया है, हम प्रत्येक शांति जीवती है, बहुत आनंद और बड़ी सीधी सीधी सरल बात। गीता जी में पढ़ते हुए बहुत वर्ष हो गए, अभी तक नई नई बात पैदा होती है। एक बात बताऊ आपको, अभी इंदौर में मेरे समझ में आई बात, और वो बात मैं कहता हूँ, समझाता हूँ, सुनाता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, सुने सुनाता ही हूँ, पर ठीक समझ में आई। जैसे कर्मयोग है तो कर्मयोग के द्वारा कर्तृत्व कैसे नष्ट होता है, ये बहुत विशेषता से स्पष्ट आई। पहले ही मेरी ये भावना थी कि कर्तृत्व मिटता है कर्मयोग, पहले भ्रम नहीं था, संदेह नहीं था, परंतु विचित्र ढंग से आई सुनी, ठीक बात है। अभी वो सुना ये भी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। और बड़ी सीधी बात और बड़ी कठोर बात है महाराज, शास्त्री पंडित को कहा जाए कि कर्मयोग से कर्तृत्व नष्ट होता, नहीं मानेगा। अच्छे अच्छे पंडित नहीं मानेगा इस बात में, कर्मयोग से कर्तृत्व दृढ़ होगा, कर्तृत्व कैसे नष्ट हो जाएगा, कर्म करने से कर्तृत्व दृढ़ होगा। शास्त्र में आती नहीं ऐसी बात मुझे, और बिल्कुल भी ऐसा आप कर्तृत्व रह ही नहीं होगा। आप थोड़ा ध्यान दें, आपको बताऊंगा। किसी सेवा समिति में आप भर्ती होकर किसी लीला महोत्सव में स्वयं सेवक बनकर आप काम किया, तो अपने आप को आप स्वयं सेवक मानते हो, और लीला महोत्सव में गया आप अपने घर पर काम करते हो, तो वहां भी अपने को स्वयं सेवक मानते हो क्या? तो उसी से बैठा जाने तो वो काम सब करते नहीं, पर मैं आपसे पूछूं कि आपका ब्याह हुआ उस समय आप अपने को समझते हैं मैं दीन बन गया, मैं दूल्हा हूँ, जितने ब्याह हुए वो सब बने हुए हो, आज अपने मानते हो मैं दीन हूँ, बताओ। तो ब्याह के समय बने थे कि नहीं, कोई इंकार नहीं कर सकता। देखो ऐसे ऐसे बात ठीक है, वैसे बैठो, देखो चलो धीरे 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 जो कह दे वो तक लागू हो जाती, पर आज भी कहे तो मानोगे, होता ही तो
उस समय मैं भाई मैं दूल्हा हूँ, मैं दीद बन गया भाई। अब बन गया तो बना के बन गया, चलो साहब तो देश रखो, मैं नहीं बोलो, मैं नहीं चलो। तो वो दीद बने का कर्तव्य तो आज है क्या आपके मन में? है ही? तो जब तक वो काम करे तब तक वो कर्तव्य तो रहता, कर्तव्य हरदम कैसे रहेगा? कर्मियों में किसी काम करो उस कर्तव्य रहेगा, थोड़ा रुकेगा। ये मुफ्त में मान लेते हैं कि मैं करता हूँ, अरे भाई तुम करता तो काम के समय में हो, हसबेंड बनो। अभी आप श्रोता बने हुए हैं, सुनने वाले हैं, मैं अभी कहने वाला बना हुआ हूँ। मैं कहीं जाऊँ सुनने वाला बैठ जाऊँ सुनने को हो गया, वो तो मैं तो भगता हूँ, कैसे होगा? परंतु मन में बहम रहता है कि मैं इतना बोलने वाला भगता हूँ, ये ठीक नहीं कहता है, मैं तो उनको ऐसा कह दू, मैं तो ऐसा समझा दू, ये ठीक नहीं कह रहे। तो भगता पड़ेगी वो भी तो पकड़ी पड़ी है, पकड़ी पड़ी तो मूर्खता से पकड़ी हुई है, ये मूर्खता से पकड़ा हुआ है। कर दे तो जब क्रिया करता है तब क्रिया बनता है। अब भोजन करते हो भोगता बनते हो तो हरदम खाऊं खाऊं करते हो गया। ठीक समझ में आ गई, क्रिया करने से मुकर्ता बन गया, वो भी बनावटी होता है, वास्तव भी कैसे नहीं। ये कर्मयोग का कर्तृत्व है सर, कर्म योग है, कर्म है और योग दो चीज है। अब कर्म अपने लिए करता है तो कर्तृत्व तो पकड़ा जाता है, कर्मयोग का कर्म अपने लिए कभी नहीं होता, और अपने लिए कर्म होता है वो कर्मयोगी होता ही नहीं कभी। अच्छे अच्छे वेदांतियों को आप पूछ लेना, ये बात नहीं समझ में आती, ठीक बता सकेंगे। कर्म के कर्मयोगी जो कर्म होता है वो अपने लिए नहीं होता, जगत के लिए होता है, दुनिया के लिए होता है, शरीर के लिए होता है, मन बुद्धि के लिए होता है, इंद्रियों के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता। कर्म संसार के लिए होता है, योग अपने लिए होता है। एक कर्म विज्ञान है, एक योग विज्ञान है, दोनों विज्ञान है, बड़ी मार्मिक बात है। दार्शनिक पंडित भी जल्दी नहीं समझेगा, ऐसी मार्मिक बात है। परंतु कौन ध्यान देता है, तो कौन सुनने करता है, पर अगले पर हो रही कर्म है ना, कर्म वो कर्म की सामग्री संसार से मिली है, शरीर संसार से मिला, योग्यता पढ़ पढ़ा कर प्यार संसार से मिली, योग्यता बल बुद्धि विद्या अवस्था मिली तो संसार से मिली है। क्या आपका अकेला का शरीर है क्या? माँ का भी है, बाप का भी है, अन्न देने वाले का भी है, पढ़ाने वाले का भी है, नौकरी करते तो उस मालिक का भी है, सबका है। आपको अकेला से भी है, कोई कह सकता है अकेला हूं मैं? तो इतनों का शरीर है तो संसार का शरीर हुआ, बात सीधी साधी बात यह है। संसार की समस्ति हवा से तो प्राण लेते हैं, और नहीं लो प्राण तो जी सकते हो ना। शरीर जो है समस्त मिलने वाले जल से जी रहे हो, पृथ्वी को चल रहे हो, प्रकाश प्राप्त कर रहे हो, तो समस्त सृष्टि से मिल रहा है ना, तो आपके पास सामग्री समस्त सृष्टि की है, तो सृष्टि की सामग्री सृष्टि में लगाने में बाधा क्या है? उनकी ले लो ईमानदार बन जाओ, उसी में ईमानदार का नाम है मुक्ति, बेईमान का नाम बंधन। बंधन क्या? शरीर को अपना मानना, मन को अपना मानना, इंद्रियों को अपना मानना, कर्म भी अपने लिए करने, उद्धार भी ले रहा हो नहीं माने तो उद्धार का भी है, तो उद्धार मेरे क्यों हो गया? पहले तो कोई चीज है ही नहीं मेरे पास, ये तो संसार की है, काम करे दुनिया के लिए, जिसको दुनिया का अहित तो होता हो वो कभी काम नहीं करेगा। तो किसी के भी अनिष्ट की भावना होगी, सबके सुख होना चाहिए, सर्वे भगवंत सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। कभी किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, ये ज्ञान योग से, भक्ति योग से, कर्मयोग से सब ये स्थिति हो जाती, एक योग। पर कर्मयोग तो कर्म मात्र दुनिया के लिए,
सबके उद्धार के लिए उसके पास जो चीज है सही है उनके लिए, भजन करता तो उनके लिए, कीर्तन करता तो उनके लिए, सत्संग करता तो उनके लिए, एकांत में ध्यान करता दुनिया हित के लिए, समाधि लगाकर निर्विकल्प होता है दुनिया के हित के लिए, अपने लिए। अपने लिए कोई क्रिया नहीं, परमात्म दुनिया के लिए होने से आपका क्या, आपका योग हो जाएगा परमात्मा के साथ घनिष्ठ संबंध की पहचान हो, ये योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, छठे अध्याय 23वें श्लोक में कहते हैं तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। योग क्या होगा, दुखों के संयोग का ही वियोग, दुख आ लगेगा साथ में संसार, इसके साथ सर्वसा वियोग होने पर अपनी स्थिति परमात्मा में हो जाएगी। क्योंकि हमारी क्रिया मात्र ही दुनिया के हित के लिए होगी तो क्रिया का प्रभाव हो जाएगा संसार के, संसार में आपकी स्थिति स्वतः परमात्मा में हो जाएगी। पदार्थों को और क्रियाओं को अपने लिए मान लिया, ये आपका वियोग हो गया परमात्मा से, और संसार साथ में ठहरेगा नहीं, परमात्मा से हो गया विमुख, संसार का आप ठहरेगा नहीं, दुख पाते ही रहो। सीधी सारी बात, तो ये बातें मैं पहले भी जानता था, याद थी, और मेरे सामने काम पड़ा तो मैंने कहा है कर्मयोग बड़ा स्वतंत्र साधन है, परंतु साफ साफ दिखने लगे हैं तोड़े दिखे जो मकान दिए साफ दिखे करके तो अलग चीज है, कर्म योग है तो बहुत ठीक सीधी बात। ऐसी विलक्षण विलक्षण बातें सत्संग में मिलती है, मेरे को खुद को मिलती है, आपको भी मिलती होगा। कई लोग कहते नहीं है कि सत्संग के बारे में मिलती है, कहते तो विचित्र बात है, बड़ी शांति देने वाली, रुपयों से वो शांति सपने में भी नहीं मिलती, पर तो रुपयों के लिए कोशिश है, इतने सत्संग के लिए कोशिश है क्या, हमने सुना है सत्संग में एक दिन शरणानंद जी ने प्रश्न किया कि भाई असली आवश्यक काम छोड़कर कौन आया है, तो कोई नहीं, आवश्यक काम है इस बात, कल तो आया कोई नहीं, आवश्यक काम हो गया, जरूरी काम हो गया, जो जरूरी काम छोड़कर सत्संग कौन करता है। पूछा भैया जरूरी काम छोड़कर कौन आया, तो सबसे फालतू काम है सत्संग करने का, जरूरी काम न हो तो सत्संग में चलो। अब वो सत्संग के माध्यम सुनेगा, इतना माध्यम है, इतना दिन पर सत्संग किया, हमारे लाभ तो नहीं हुआ, सत्संग किया फालतू काम किया, पूछ रहा ये सत्संग हुआ ये तो फालतू काम हुआ, फालतू समझ करने पर भी लाभ होता है, ये तो भगवान की कृपा है, नियत से लाभ उड़ानी चाहिए। तो फालतू समय सत्संग किया, अरे जो तुझे सत्संग कौन सा रखा जाएगा, इस समय रखा जाए, इस समय आदमी आ सके, बहनों माता इस समय आ सके, इस समय रखना चाहिए, तो नहीं और समय काम रहता आ नहीं सकते, ये होता है नहीं, ऐसे निर्णय करके आदमी ज्यादा आ सको वो काम रखा जाए, निकमा काम तो निकमे समय रखा जाए, लाभ चाहते हो असली की, चर्चा तो असली की चलती है, तोला जाए सोना और ले दो ईंट कि मेरा भाई तो न करा, अरे सोना तो जाता है ये है ना मेरे पीने के लिए मेरी ईंट है, तो सत्संग की महिमा तो सत्संग की होती है, फालतू बात की होती है। ऐसी कीमत दे उनको पता लगता है कि कितनी विचित्र बात है, कितनी शांति, कितनी प्रसन्नता, कितना लाभ होता है, इसके हरेक को पता नहीं। मेरे को एक व्यक्ति ने कहा था कि स्वामी जी आपको पता नहीं है सत्संग लाभ होता है, लोग कहते हैं तो हमारे भी चेत हो जाता है, कभी कभी बातें मिलते मेरे लिए तो बड़ा लाभ होता, आपको पता लग रहा है कि नहीं लगता आप जाने,
मैं तो जानता हूँ कि ऐसे ठीक तरह समझ कर किया जाए तो बहुत विलक्षण अंतर पड़ता, बड़ी विचित्र शांति मिलती। पता लगेगा जब शोक चिंता भय उद्वेग का काम पड़ेगा, घाटा लगे, कोई मर जाए, कोई अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, ऐसे समय में पता लगता है कुछ। और वो आता है अपने कल्याण के लिए, हित के लिए, महान हित के लिए आती है आफत। बड़ भाई जी है संसार में जिनके सामने आफत आई, और कोई तरह की आफत नहीं है, वो दुर्भाग्य है। उसकी बात कर दी, जितना सुधार विपरीत अवस्था से होता है उतना अनुकूल परिस्थिति से सुधार नहीं होता। जितने अच्छे अच्छे महात्मा हुए उनके जीवन को देखो, प्रहलाद जी का जीवन इतना चमक उठा जो आज भी याद करते हैं। आज कहती हुए वो ये सृष्टि चल रही है, ब्रह्मा जी का दिन जिसमें आदि देती हुए उनका पुत्र था, बहुत वर्ष बीत गए। प्रहलाद जी के नाम में कारण क्या है? आफत बहुत बड़ी 52 प्रयास दी गई, ऐसा सुना है हमने। कष्ट पर कष्ट, कष्ट पर कष्ट, 52 कष्ट दिए गए। ऊपर से नीचे फेंका गया, समुद्र में रखकर पत्थर ऊपर चिड़ दिए गए, सर्पों से कटवाया, ऊपर हाथी छोड़ दिया, जहर पिला दिया, आग में रख दिया, 52 प्रयास दी गई ऐसे। तो वो चमक उठा मेरा, सोना जैसे तपाड़े चमकता है, ऐसा प्रहलाद जी का जीवन दुनिया माता के लिए चमक उठा। तो कष्ट से दुख होता है क्या? अवनति होती है, पतन होता है। लोग मुझे कितना दुख होता है, कितना क्या है? जब तक वैसा न हो जाए। ये बात याद आ गई, बांकुड़ा जिला में अकाल पड़ा हुआ था। मैं यहाँ से कलकत्ता गया था तो थोड़े ही दिन हुए थे, घंटा चार घंटा इतना चावल ले जाओ, कीर्तन करो ले जाओ, कोई सी कीर्तन करो ले जाओ, ऐसा कोई 100-125 थे गए कीर्तन के अंदर खोल दिए। हाथ तो लगता ही है, और सत्संग में से कई भाई गए थे, भाई किसी को सेवा करने का और भाव हो जाओ रुचि हो तो कई भाई सेवा करने गए। तो तू चाहे कैसा हुआ, कैसा हुआ, ऐसा हुआ, उस बातें सुनाई। एक दिन गोविंदा जी आए, खुद वो मोटर लेकर घूमते थे सब केंद्रों में। तो रात्रि में लोग इकट्ठे हो गए तो लोगों ने कहा आपने तो जिला दिया, जिले को जिला दिया, बहुत अच्छा काम किया आपने। गोविंदा जी ने व्याख्यान दिया, तो बंगला भी बोलते, तो बंगाली में दिया व्याख्यान। उसमें सुनाया कि देखो आप झूठी प्रशंसा करते हो, हमने यहाँ बंगाल में आकर जितना धन कमाया उतना धन तो आपका ही है, वो लगाया नहीं हमने पूरा, वो लगा दें तब तो आपकी चीज आपको दी, फिर हम मारवाड़ से लाकर लगावे तो आप कह सकते हो धन लगा के हो, नहीं तो क्या कहते हो आप, हमने पूरा यहाँ कर भी नहीं लगाया, इस बार क्या उपकार किया। ये बात किसी ने सुनाई तो मेरे मन में आई, ऐसी बात पैदा नहीं होती आदमी की, ये कही तो स्वभाव। और एक भाई ने बड़ी विचित्र बात सुनाई, उसने कहा कि मैंने हरिकृष्ण जी से पूछा, जो गोविंद का जी छोटे भाई थे, उनसे पूछा कि ये कितना दिन काम चलाओगे ऐसे, तो वो हिम्मत थी कि नहीं इसका, मैं ठेका नहीं लेगा। उत्तर तो बढ़िया दिया कि जब तक इन मांगने वालों की दशा हमारी नहीं हो जाए तब तक। फिर ये मांगे हम भी मांग लेंगे, बात है भाई, लेने का रस आ जाता है, अच्छे भाव का अनुभव हो जाता है, वो छोड़ नहीं है। फिर रात दिन लो में लगे, वो क्या समझे इस बात को, कैसे समझे, वो धन के लिए झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात हत्या करने को भी नहीं चूकते। महाराज ये बड़े बड़े डाकू हत्या कर देते हैं मनुष्य की, वृंदावन में एक मुर्दा मिला, उसके छाती पर एक पुर्जा था, उसमें लिखा था कि उसको मैंने मार दिया, खाने के पैसे मिले। ये सुनाते थे
लोहियाली समुद्र चौपाटी में घूमते हुए चौपाटी आगे घूमते थे तो एक आदमी आया उसके पास मंगल पैसा आए तेरे पास पैसा तो नहीं है कि देखा दे पैसा नहीं है मारे से पड़ी पैसा लेकर नहीं आए अब यहाँ का टाइम सुनाई अब पैसा लेकर आवे लूटा आवे तब तो ठीक अब उनको समझाओ कि दान में बड़ा रस है बड़ा आनंद है मानेगा बिना पैसे क्यों आ गया बताओ ये कसूर नारायण 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 कैसे समझे भाई बाब उस मिठाई को वही जानता है जिसने उसको चखी ये क्या पता नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय राम राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा दिनांक 24 सितंबर 1981 को प्रातः 8:30 जीवन विहार बम्बई में दिया गया। राम राम राम।